एक मिनट, लाइए मैं ले लेती हूँ। अरे मैं आपको रास्ता क्रॉस करवा देती हूँ, आइए। बहुत ट्रैफिक है बेटा। हाँ आइए आराम से। वैसे बाप, इतना भारी सामान लेकर आप अकेली क्यों निकली, किसी को साथ लेकर आती? इसे लाती बेटा, साथ लाने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। क्यों, आपका कोई नहीं है? है ना, दो बेटे हैं, दो बहुए हैं, अरे उनके तीन बच्चे हैं, लेकिन सब अमेरिका में। बस अमेरिका जाते ही बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, और तेरे दादाजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए। बा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि सारा जहां मिल गया आपको। एक मिनट बा, इसे जरा पकड़ी, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आई हाँ बा, रुकना। ये मेरा फोन नंबर रखिए, और आपको कोई भी काम हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आपके सामने वो चमत्कार होता है ना, ऐसे सब कुछ हाजिर कर दूंगी। इतनी अच्छी है बेटा, अगर तेरे जैसे लोग मिल जाए ना तो 2-4 दिन जिंदगी और जीने का मन करता है। बाकी तो संभाल के जाना। हाँ बा, चलो जय अम्बे। जीती रहे बेटा, खुश रखे भगवान। बाद में मिलेंगे, हाँ आराम से जाना। हाँ बेटा हाँ। ये बेटी थी ना, तो मैं रास्ता क्रॉस कर सकती। आगे सिग्नल तक। बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ, आओ आराम से। मोटू बैठ गए। मजा आ रहा है ना बच्चों? तेज चलाऊं क्या? नहीं नहीं, चलो चलो। आराम से उतरना। थैंक यू दीदी। पर मैं थैंक यू ऐसे नहीं लेती, तो पप्पे के साथ लेती हूँ। ओके। बाय। अरे पल्लवी, ऑफिस में तो सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इतने सारे सर्वेंट्स होने के बावजूद भी बहू टिफिन लेकर आई। बहू? ओह माय गॉड। एंड यू नो व्हाट, माय मदर इन लॉ अनसुया मेहता का चेहरा तो देखने लायक हुआ होगा। अरे हाँ यार, इवन आई एम वेटिंग कि कब मेरे घर में किटी पार्टी हो और तुम सब लोग उस मही नाम के नमूने से मिलो। हाँ। ओके बाय। ला 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 ला। जीत गई सागर जी। सागर जी, अरे भाभी भाभी। अरे अरे मही 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 मैं बहुत खुश हूँ। मेरी कॉफी क्या हुआ? सागर जी, क्या हुआ? क्या बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। तुम तो इस तरह से खुश हो रही हो जैसे मॉम ने तुम्हें कोई इनाम दे दिया हो। ऐसा ही समझो भाभी, मम्मी जी ने मेरे हाथों से परोसा हुआ खाना खाया।
मेरे हाथों का। ये मेरे लिए किसी नाम से कम थोड़ी ना है। पूछो क्यों? क्यों? भाभी सवा दो बज चुके थे, फिर भी मम्मी जी खाना खाने नहीं बैठी। उनकी मीटिंग चल रही थी ना, मीटिंग पिंकी बहन। पर फिर मुझसे तो नहीं रहा गया भाई, तो मैं तो धड़ाम से उनके कैबिन में घुस गई और मीटिंग वहीं के वहीं रुकवा दी और लंच ब्रेक करवा दिया। What? तुम चालू मीटिंग में मॉम के कैबिन में घुस गई? हाँ तो? अरे यार ऐसा करने की तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए तो आप सागर हो और मैं मही। और मही, मॉम ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा? ले, उनकी इतनी हिम्मत कि मुझे कुछ बोले? नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर सर मिस्टर शुक्ला के सामने मम्मी जी ने मेरी इज्जत रख ली और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। बस एकदम